दोस्तों, आखिर शेर कैसे बना माता पार्वती का वाहन? एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिवजी से विवाह करने की बहुत तपस्या की, जिससे उनका शरीर हल्का काला पड़ गया। और जब भगवान शिवजी के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ, तो एक दिन भगवान शिवजी ने माता पार्वती को मजाक मजाक में काली कह दिया। शिवजी के इस मजाक से माता पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया और वह जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। उस समय एक भूखा शेर जंगल में घूम रहा था। उसने जब माता पार्वती को देखा तो उसने माता पार्वती को अपना आहार बनाने का सोच लिया। माता पार्वती जब तपस्या में लीन थी, तब तक वह शेर वहाँ पर ही उनकी प्रतीक्षा करता रहा। तपस्या पूरी होने के बाद माता पार्वती ने उस शेर को जब देखा, तो उसकी धैर्य और निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे अपने साथ रहने का वरदान दे दिया और अपना वाहन बना लिया। अगर माता के भक्त हो तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा।